सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नया दिन और नई शुरुआत। सो दिन की शुरुआत आज मैंने सुबह से ही कर दी है। टाइम हो गया है, 6:30 बज गए हैं। मैं अब चने उबालने जा रही हूँ। जैसा कि बोला है, अष्टमी करेंगे। बस आपकी अष्टमी के लिए बस चने उबालूंगी और पूड़ी और हलवा बनाऊंगी। सब्जी बना लूंगी, चने उबालूंगी तो आलू की सब्जी डाल के, मतलब उसमें तो आलू और चने की सब्जी बन जाएगी। और अलग करती हूँ उसका, अलग घर का काम। चने रख के फिर झाड़ू पोछा करती हूँ सारा, फिर नहाती हूँ, फिर उसके बाद बनाऊंगी, नहाने के बाद बनाऊंगी। चलिए चलते हैं, आज की दिनचर्या सुबह से ही शुरू करते हैं। इधर जस्सिका भी जगी हुई है, देखिए पल्लवी सो रहा है बिल्कुल खराटे मार के। मैं भी उठी हूँ, जब आई आ रही हूँ। तो चलिए अभी मिलते हैं, बीच बीच में मिलते रहेंगे। मैंने आधा काम कर भी लिया और मैं सो रहा था, माने तो मुझे उठाया भी नहीं। मैं बस पूड़िया बन गई होगी और हलवा बना रही हूँ। मैंने सूजी का हलवा, बस थोड़ी सी ब्राउन सी हो जाए, ज्यादा ब्राउन तो पसंद है नहीं जैसी का। तो बस वैसा मोरा समझ रहा हो? नहीं सही हो रहा? सही है। कुकर नट ऑयल लगाया होगा आपने? कुकर नट ऑयल? हाँ, मैं तो कोकोनट ऑयल ही लगा रही। और मैं बनाऊंगी दूध के साथ, मैं इसमें दूध ऐड करूंगी, पानी नहीं। बस हो गया, फिर करते करके वैसे हमारे लिए खाना बाद में बनाऊंगी। अभी थोड़ी ना जरूरत है, अभी तो सूजी भुन जाए। सबसे टाइम ज्यादा इसमें ही लगता है, अच्छे से भुननी चाहिए। चीनी निकाल लेती हूँ, चीनी निकाल। बस बाकी मैं नहा चुकी हूँ, नहा के ही मैंने सारा घर का काम कर लिया, फिर नहाई हूँ। अब जस्सी का नहाएगी, जस्सी का डैडी नहा चुके हैं, लविस नहा रहा है, लविस जाएगा टेस्ट देने। दवाई ले रही है, दवाई ले रही है मैडम जी, सो जाएगी ये? नहीं, अब नींद भाग गई। लगी नहीं है, खा पी के फिर नींद आ जाएगी। सुबह सुबह इतना काम किया है मैंने, तो चक्कर मारे सुबह सुबह। तो जबकि ऐसे काम तो ये तो होते ही है। ये 8 पूड़ियाँ बनाई हैं, जो 8 मतलब अष्टमी पूजते हैं ना, तो 8 पूड़ियों से पूजते हैं। जिनके 9वीं पूजती है उनकी 9 से, ऐसा भी होता है। हाँ ऐसा ही होता है। चलिए, बिल्कुल भी ब्राउन नहीं हो रहा ये तो, बहुत टाइम लगता है सूजी भुनने में। तो गाइस मिलते हैं सूजी भुनने के। इसमें मैंने काले छोले और आलू उबाल के रखे हुए हैं, सब्जी बनाऊंगी अभी। मैं तो जा रही हूँ। हाँ जाओ, चलिए मिलेंगे पूजा करते हुए। हाँ, बहुत खुशी की बात है, खुशी की बात। और मम्मा यहाँ भी किचन साफ कर दी है। किचन क्या, रोटियां तो बना ली, टमाटर नहीं है, सब्जी बनाऊंगी। सब्जी और एक गुड न्यूज। हाँ, एक खुशी की बात है, वो रेसिपी का बताएगी अभी। मैं काम कर लेती हूँ, जो काम बहुत सारा, फिर मैं नींद आ जाएगी, आंखों में नींद आ रही है। ये जो यहाँ बिस्तर पे पड़ा हुआ है, फोन चला रहा है, इसका एडमिशन हो गया हो गया हो गया हो गया इसका एडमिशन हो गया। तो कैसा लग रहा है आपको, कुछ बताना चाहेंगे? सो ही गाइस, अभी टाइम हो रहा है, 7 बजने वाले हैं और हम यहाँ परेश लेके बैठे हुए हैं। वो ढेर लगा हुआ परेश का, बहुत सारी टाइम लगा रहा हूँ, परेश मम्मा कर रही है। और 1 तारीख से हमारी सारी आज़ादी छीन ली जाएगी, क्योंकि 1 तारीख से हमारे कोचिंग लग जाएंगे और फिर घर से ज़्यादा और ब्लॉक से ज़्यादा हम बाहर आया करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे अभी अत्याचार करने के बाद? सभी के साथ होगा, तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे साथ तो फिर भी बहुत लेट हो रहा है। क्यों हो रहा है लेट? 1 तारीख से स्टार्ट तो हो रहे हैं, बच्चों के कब के स्टार्ट हो चुके तो हैं। उनके वो सब्जेक्ट ट्यूशन लग रहे हैं, हम तो फिर भी बहुत लेट हो। नॉट सो लेट, तुम्हारा रिजल्ट भी नहीं आया। रिजल्ट अभी नहीं आ रहा,
रिजल्ट नहीं आना तब तक मजे, रिजल्ट के बाद जिंदगी खराब। नहीं उससे पहले ही कर दूंगी मैं तो। वो तो अलग दुख है ना, दुखी खत्म नहीं होता। और भाई है अभी ऊपर फुटबॉल खेल रहा है क्योंकि वो बोर हो चुका है। और मैं गर्मी देखे काफी सारे ये 3 दिन से टल रहे हैं काम की वजह से। और मैंने मतलब इसका लोवर चेंज कर दिया, इसकी लास्टिक ना टाइट थी तो इसलिए मैं चेंज कर दिया। तो आप कहोगे ये कॉम्बिनेशन कैसा बन रहा है, इसलिए तो ढेर लगा हुआ है, 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे प्रेस करने में। तो जस्सी का बताएगी मेरी आवाज जाएगी नहीं मतलब। नहीं चली जाएगी। और अभी 7 बजने वाले हैं तो मिलते हैं गाइस थोड़ी थोड़ी बीच बीच में, मतलब बीच थोड़ी थोड़ी देर में। तो आखिरकार गाइस मेरी परेश खत्म हो चुकी है। और टाइम देखिए टाइम हो गया है 8:15 करीब। ये कोट प्रेस करी है लेकिन जस्टिका से तय नहीं लगी, तो इसे हैंगर पर टांग के मतलब इसके पैकेट में ही रख दूंगी। और आयरन सबसे ज़्यादा इन्हीं की थी, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, एनर्जी पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है मेरा तो। इतनी सारी आयरन मतलब जिस पे कि जस्सी का तय लगाती है, मैं सिर्फ परेस करती हूँ और सबसे ज़्यादा उन्हीं के होते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ कितनी सारी अभी ने अलवारियों में सेट करने सबकी अलवारियों में। देखिए ये उनकी लाइन है और ये साइड वाली भी उनकी लाइन है। वो पीछे सिर्फ 3 जोड़ी मेरे हैं और ये जस्सिका की लाइन है और ये जस्सिका की लाइन है। ये मेरे दुपट्टे हैं और लविस की लाइन कहाँ है फिर? और लविस की इसमें मिक्स है, मतलब यहाँ से ये यहाँ तक, यहाँ ये लविस के हैं, ये इनकी पैंटें रखी हैं और बाकी शर्टें और लोवर मतलब इसमें हैं। पैंटों के साथ मतलब इसकी ड्रेस मतलब इसमें इंक्लूड कर दी जस्सिका ने। तो अब सेटिंग करते हैं इन्हें सारी सबके अलवारियों में। और तो अभी मिलेंगे गाइस। और खाने में क्या, मैंने खाने में वो बनाए थे काले छोले, जैसा कि मैंने दिखाया तो थे नहीं और पूजा की वक्त भी ध्यान नहीं रहा, जल्दी जल्दी ऐसे ही कर दिया बस। वो होते हैं ना वो फटाफट करवाते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। तो काले छोले और आलू डाल के बनाए थे बस, टमाटर लहसुन प्याज तो अभी यूज नहीं कर रहे जब तक पूरी नौमी मतलब वो नहीं हो जाएगी 10 मिनट। और क्या बनाया था, हलवा, हाँ हलवा बनाया था तो वो आपके साथ दिखाऊंगी अभी। अभी बिलाल वे अलवारी में ये सेट कर देती हूँ मेरी चाय। तो गाइस आखिरकार सारा काम तो ख़त्म हो चुका है और जस्सिका अगेन जब तक वो मैगी घर में रखी है ना ख़त्म ना हो जाए जब तक बनाती रहेगी रोज़ खाना खाने के बाद भी इन्हें मैगी चाहिए। आज आखिरी पैकेट है, मैं मैगी ला के नहीं रखूँगी घर में। चलिए देखते हैं। और मेरे लिए चाय बना रही है जस्सिका, मैंने कहा मेरे लिए चाय बनाओ फिर। और हमारा सीरियल ख़त्म हो चुका है, टाइम देखिए 10 बज चुके हैं, देख सकते हो वहाँ 10 बज चुके हैं। चलिए जस्सिका के पास चलते हैं। लवी सब अभी बिजी है थोड़ा सा, समझ सकते हो आप कहाँ बिजी है। तो चलिए चलते हैं, देखिए चलिए किचन में चलते हैं। इधर देखिए मैंने दूध कराया इनके लिए लेकिन दूध किसी को पीना नहीं है। और इधर मैगी बन रही है, देखिए ये देखिए मैगी बन गई। और इधर मेरी चाय बन रही है जबरदस्ती। क्यों मैं क्यों नहीं पी सकती चाय? अभी तो बनाई थी आधे घंटे में। आधा घंटा नहीं हो गया, वो बहुत देर हो गई, मुझे भूख लगने लगी फिर। और ये देखिए चीज पहले ही निकाल के रख दिया अपने लिए। और ये मैंने चने उबाले थे हमारे, उन्होंने अपने लिए बचवाए थे, फ्रिज में रख दो खराब हो जाएंगे वरना। तो खाए थे ना, चाट वाट बना के खाएंगे। और ये मैंने सब्जी बनाई थी, देखिए इतनी सब्जी बची है। तो ये सुबह ही बनना मतलब सुबह बनाई थी। हटो लविस जैसी का, हाँ हाँ कोई बात नहीं। और बाकी हलवा उसमें रखा है, वो भी फ्रिज में रख दूंगी। और ये बर्तन मुझे क्लीन करने हैं, बर्तनों का काम मेरा दिया हुआ है। तो ये इसी टास्क पे चाय बन रही है कि बर्तन कौन करेगा, और इसलिए मैगी बना लेती है ये डेली। कोई नहीं, मैं अब मैगी ला के ही नहीं रखूंगी। कोई नहीं, मैं तो हाँ मैं घर में ही नहीं ला के रखूंगी। जब से मैगी ला के रखी है ना रोज डेली बन रही है मैगी, डेली बन रही। कल नहीं बनी थी, कल नहीं बनी। अच्छा नहीं बनी थी, खाई थी मैंने, खाई थी मैंने। ओ हाँ कल हमने टिक्की खाई थी, देखा जैसा कि आवाज आ रही है टिक्की वाले की। और टाइम देखिए 10 बज गए और हमारा सीरियल भेड़िया खत्म हो चुका है, बहुत अच्छा था। आ रहा है अभी, आ रहा है, करके रख दो, वैसे भी वो तो ठंडी खाएगा। तो गाइस देखिए अभी तक ड्रेस चेंज नहीं करी, आराम से मैं सीरियल देख रही थी, अब मैं चाय पीऊंगी।
तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। काफ़ी फिर एडिटिंग भी करनी है और भी बहुत काम करने हैं, बर्तन भी मांजने हैं, मतलब 11। अरे टिक्की वाले चुप हो जा। तो कल का दिन स्पेशल होने वाला है अगर बारिश नहीं आई, क्योंकि अभी नहीं आई तो कल का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है। कल हम कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो बिल्कुल आपको लेके चलेंगे और आप बिल्कुल मतलब खुश हो जाओगे। आप सेकंड बार चल रहे हैं वहाँ, तो चलिए मिलते हैं कल नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। सो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। सो चलिए मिलते हैं कल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो आखिरकार गाइस मेरी चाय आ चुकी है। अब ये मेरी रात की 10 बजे की चाय है, इसके बाद कोई कुछ खाना पीना नहीं, क्योंकि मैं शाम का खाना कम ही खाती हूँ, ना के बराबर ही खाती हूँ। और जैसिका अपना मैगी में लगी हुई है, खा ली जैसिका ने खा ली। सो चलिए मिलते हैं कल।